So today we are going to see the concept of array in C programming. So basically what it means a array? Array actually hota kya hai? Array is defined as it is a collection of homogeneous data elements. Basically what it means the homogeneous data element. If you are talking about the homogeneous data element, so homogeneous data element ka matlab kya hota hai? But before that, you can see, suppose we executed lot many programs. In every program, we have declared the variables. And what the variable will do exactly? Variable declaration kya karta hai? Suppose if I written integer a of b. Suppose maine yahan pe likha integer a likha, integer a. For example, is tarike se maine integer a likha. So इंटरनली क्या होता है, जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ये क्या करता है, आपका एक मेमोरी लोकेट करेगा, ठीक है, जिसका नाम है ए, जिसमें आने वाला वैल्यू कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसमें आने वाली वैल्यू कौन से टाइप की है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. एक वेरिएबल डिक्लेयर करने से आपका एक मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है. राइट नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू स्टोर अ 100 न्यूमेरिकल डेटा, 100 numbers I want to store. अगर आपका एक variable declare करने से एक value store होता है, if you want to store one value into the memory, you have to declare a one variable. But suppose I want to store a 100 data, I want to store a 100 numbers. अगर मुझे 100 numbers store करने हैं memory में of an integer type, so what normally I have to do? I have to declare a 100 वेरिएबल विद अ डिफरेंट नेम. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे विद अ डिफरेंट नेम, क्योंकि मुझे 100 नंबर्स को मेमोरी में स्टोर करना है. बिकॉज एक एक नंबर के लिए आपको एक वेरिएबल लगेगा, तो अगर 100 नंबर स्टोर करने हैं, 100 नंबर स्टोर करने में रिक्वायर्ड अ 100 वेरिएबल. सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिक्लेयर such a huge number of variables. अगर मुझे 100 डेटा स्टोर करना है, 100 वेरिएबल्स अगर बनाने हैं, तो 100 वेरिएबल्स के अलग अलग नाम देने हैं मुझे, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि इतने सारे मैं वेरिएबल्स को मैनेज करूँ, इतने सारे वेरिएबल्स को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा. टू रिमूव दिस ड्रॉबैक द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे इज इन्वेंटेड. ये जो ड्रॉबैक था सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन का, इसको रिमूव किया अरेज ने. तो बेसिकली अरेज होता क्या है, सो अरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है. इट कैन स्टोर अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप. एंड अरे इज यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट. तो अरे का डेफिनेशन अगर मैं बोलता हूँ, सो अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट, और वी कैन से अरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट. अरे क्या होता है, अरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट. दैट मीन्स सपोज मैंने अभी जस्ट बताया, इफ आई वांट टू डिक्लेयर द 100 वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिक्लेयर द 100 वेरिएबल विद अ डिफरेंट नेम. सो अगर 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है कि अरे क्या करता है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट. दैट मीन्स विद अ सिंगल लाइन, विद अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, वी कैन अलोकेट द कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन for holding the similar type of data value. It means that अगर suppose मुझे 100 number stored करना है, तो मैं 100 variable declare न करते हुए मैं उसको एक ही बार declare करूँगा, और एक बार declare करने से मेरे जितने मुझे memory location चाहिए उतने मैं locate कर सकता हूँ, ठीक है. तो with the single statement we can allocate the memory as much as we want, जितना हम लोगों को चाहिए उतना मेमोरी हम लोग विद द हेल्प ऑफ अरे वी कैन अलोकेट विद अ सिंगल स्टेटमेंट. नीचे सेकंड पॉइंट लिखा है, ऑल द अरेज कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन. अरे जो मेमोरी लोकेट करता है तो कॉन्टिग्युअस होती है. कॉन्टिग्युअस का मतलब क्या होता है कि एक के नीचे एक सिक्वेंशियल फॉर्म में आपकी मेमोरी अलोकेट होती है. दैट मीन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 एलिमेंट के लिए आपको 5 डेटा स्टोर करना है, इफ यू वॉन्ट टू स्टोर द 5 डेटा, तो आपको एक अरे डिक्लेयर करना है फॉर द
फाइव एलिमेंट्स, तो ये जब मेमोरी एलोकेट करेगा कि मेमोरी कैसे एलोकेट करेगा, सो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से आपका मेमोरी एलोकेट होता है. सो द फर्स्ट लोकेशन विल बी कंसीडर्ड एज 0, सेकेंड वन इज कंसीडर्ड एज 1, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड यहाँ पे आएगा 4. वी आर स्टार्टेड विद 0. हमारा मेमोरी लोकेशन कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए 4 तक गया. इफ यू स्टार्ट विद 1 वी कैन गो विद 5. वी कैन स्टार्ट द इंडेक्स एट पर योर चॉइस. बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है, बाय डिफॉल्ट आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. चाहे तो आप अपना इंडेक्स, आपको जो देना है आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो समवेयर वी कैन स्टार्ट विद 1, समवेयर वी कैन स्टार्ट विद 5, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से करना है. लेकिन बाय डिफॉल्ट अरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है. 5 एलिमेंट के लिए मैंने अरे बनाया था, 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4. अभी ये जो लोकेशन है, जो लोकेशन दिख रहे हैं, नाउ इन दिस लोकेशन वी आर गोइंग टू शो द वैल्यू. लेकिन यहाँ पे जो आने वाली वैल्यूज होगी वो कौन से टाइप की होनी चाहिए? सिमिलर टाइप की. सिमिलर टाइप बोले तो जिस पर्टिकुलर अरे आपने डिक्लेयर करते समय उस अरे का जो आपने डेटा टाइप दिया होगा वो सारा डेटा, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है. नाउ सपोज इन दिस एग्जांपल, नीचे में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपका अरे डिक्लेयर, यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल में दिखाया है, नीचे में हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ठीक है. तो सपोज आपने कोई एक 5 एलिमेंट के लिए अरे बनाया है, ठीक है, द नेम ऑफ द अरे इज नंबर, ठीक है. तो नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टिल द एंड, ठीक है. आप जहाँ तक जाना है आपको वहाँ तक जा सकते हैं. नाउ वी कैन सी हाउ टू डिक्लेयर द अरे. अरे को डिक्लेयर किया कैसे जाता है, ठीक है. सपोज अगर आपको अरे को डिक्लेयर करना है तो हाउ डू यू गोइंग टू डिक्लेयर द अरे. डिक्लेयर को हम लोग अरेज को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है. तो सिंटैक्स इज, सिंटैक्स क्या बोलता है? डेटा टाइप नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑन द डेटा टाइप नेम, यानी कौन से टाइप का डेटा आप वो अरे में स्टोर करना चाहते हो, लाइक इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, दैट मीन्स अ डेटा टाइप. आफ्टर दैट अरे नेम. बेसिकली अरे नेम क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम, ठीक है. जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं वैसे यहाँ पे अरे नेम हम लोग दे सकते हैं. अरे नेम कैन बी एनीथिंग. अरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, राम श्याम, आपको जो भी देना है आप अरे का नाम दे सकते हैं. आफ्टर दैट इन द स्क्वेयर ब्रैकेट, जो स्क्वेयर ब्रैकेट दिख रहा है इसमें आप उस अरे का साइज लिखते हो. दैट मीन्स सपोज यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, दैट मीन्स आपका आपके लिए कितनी सॉरी 10 मेमोरी लोकेशन हम लोगों की रिजर्व हो जाएगी फॉर द पर्टिकुलर नेम, ठीक है. यहाँ पे एक नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एन. अब ये जो अरे है इस तरीके से जब हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं तो इसको बोला जाता है सिंगल डायमेंशनल अरे. सिंगल डायमेंशनल अरे बोले तो दैट मीन्स आपका अरे इस तरीके से डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है. इस तरीके से आपका एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से आपकी कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी. सपोज आपने यहाँ पे नीचे में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीजर बैलेंस इन द ब्रैकेट 10, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट वन अरे, द नेम ऑफ द अरे इज बैलेंस. आपके अरे का नाम है बैलेंस. डेटा टाइप क्या लिखा है आपने? इंटीजर. दैट मीन्स एक इंटीजर बैलेंस नाम का आपने एक अरे बनाया हुआ है विद द साइज इज 10. साइज कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है. तो हाउ इट विल एलोकेट द मेमोरी? ये क्या करेगा? 10 मेमोरी को लोकेट करेगा. दैट मीन्स इस तरीके से फर्स्ट लोकेशन, देन सेकेंड लोकेशन, देन थर्ड लोकेशन, देन फोर्थ लोकेशन, देन फिफ्थ लोकेशन, ऐसे करते 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 अपना 10th लोकेशन तक जाएगा. सॉरी 10th लोकेशन तक जाएगा. दैट मीन्स सपोज ये आपका 0th लोकेशन है, ये आपका फर्स्ट लोकेशन, ये आपका फर्स्ट लोकेशन है, देन सेकेंड लोकेशन है, देन थर्ड लोकेशन है, ऐसे करते करते वो कहाँ तक चले जाएगा? वो 9 तक जाएगा. क्योंकि 0 से स्टार्ट किया तो कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा. अगर 1 से स्टार्ट किया होगा तो 10 तक जाएगा, ठीक है. सो नाउ अभी इसमें क्या क्या इंटीजर बैलेंस 10, यानी 10 मेमोरी लोकेशन आपके रिजर्व हुए, ठीक है. अभी इसका इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स क्या होगा? बैलेंस ऑफ 0. दैट मीन्स यहाँ पे आप इसको कैसा रीड करते हो? बैलेंस, यानी अरे का नाम क्या है आपका? बैलेंस है. ये बैलेंस है अरे का नाम. तो इसको आप रीड कैसे करोगे? बैलेंस ऑफ 0, फिर बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 2, बैलेंस ऑफ 3, बैलेंस ऑफ 4, ठीक है. यानी बैलेंस ऑफ 0 पोजीशन पे क्या है, बैलेंस ऑफ 1 पोजीशन पे क्या, बैलेंस ऑफ सेकंड पोजीशन पे क्या, बैलेंस ऑफ थर्ड पोजीशन पे क्या, यहाँ पे क्या रहेगा? आपकी डेटा रहेगा. सो अरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट. दैट मीन्स आपका जो ये अरे बनाया है आपने बैलेंस नाम का, इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. तो आपका ये जो 10 मेमोरी लोकेशन जो रिजर्व हो जाएगा कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो. बिकॉज आपने बैलेंस के सामने क्या लिखा है? इंटीजर.
अगर आपने बैलेंस के सामने कैरेक्टर लिखा होता तो आप इसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर बैलेंस के सामने फ्लोट लिखा होता तो आप फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो लाइकवाइज आप आपके अरेज को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। इस तरीके से आपका अरे डिक्लेयर होता है। तो विद अ सिंगल स्टेटमेंट, आपके एक स्टेटमेंट से आपकी कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई, 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गई। चाहे तो आप यहाँ पे आपको जितना साइज चाहिए, जितनी मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है उतना साइज आप यहाँ लिखते हो। सपोज मैंने लिखा होता है इंटीजर बैलेंस ऑफ 100, तो आपकी 100 मेमोरी लोकेशन कॉन्टिग्यूअस 100 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई रहती है। विद इंडेक्सेस बैलेंस ऑफ 0, बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 2, टिल द बैलेंस ऑफ 99। 0 से स्टार्ट किया तो 99 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट किया तो 100 तक चलेगा। तो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द अरे। अभी आपने अरे डिक्लेयर कर लिया, अरे डिक्लेयर करने के बाद अभी आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर किए क्या? नहीं। नाउ द सेकंड पार्ट इज हाउ टू इनिशियलाइज द अरे। अभी अरेज को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं? हाउ टू इनिशियलाइज द अरे, दैट मींस अरे में वैल्यूज हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे, अरे में वैल्यूज हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज द अरे। सो यू कैन इनिशियलाइज एन अरे इन सी आइदर वन बाय वन और यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट एज फॉलो। ठीक है, एक तो हो सकता है कि आप लोग अरे में जो वैल्यूज आपको इनिशियलाइज करना है आप वन बाय वन वैल्यू डाल दो। ठीक है, आप लिख सकते हो बैलेंस ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, बैलेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू 30, बैलेंस ऑफ 4 इज इक्वल टू 40, बैलेंस ऑफ 5 इज इक्वल टू 50। आपको जो वैल्यू डालनी है आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो, चाहे तो इंडिविजुअल वन बाय वन स्टेटमेंट लिख। ठीक है, दैट मींस बैलेंस ऑफ 1 इज 100, बैलेंस ऑफ 2 इज 500, बैलेंस ऑफ 3 इज 400। लाइक वाइज जो भी वैल्यू आपको डालना है उस तरीके से डाल सकते हो, या फिर वी कैन यूज इट डायरेक्टली कर्ली ब्रेस। ठीक है, हम लोग कैसा, इट इज अनदर वे टू इनिशियलाइज द अरे। तो हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अरे अरे यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर बैलेंस ऑफ 5, यानी आपने एक बैलेंस नाम का अरे बनाया है विद द 5 एलिमेंट, 5 लोकेशन, यानी 5 डेटा आपको स्टोर करना है। 5, ये जो 5 है ये क्या साइज है आपके अरे का, साइज ऑफ द अरे इज 5। दैट मींस आपने बैलेंस नाम का अरे बनाया विद द साइज इज 5, इसमें आने वाला डेटा कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर का आप अरे बना रहे हो। ठीक है, और उसके सामने फिर अगर मुझे ये अरे को इनिशियलाइज करना है, इसमें बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इंटीजर बैलेंस ऑफ 5 इक्वल्स टू फिर कर्ली ब्रेसेस में 1000, 234, 70, 500, आफ्टर दैट सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। अभी इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो सपोज ये बैलेंस ऑफ 0 है, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ 0 है, ये 1 है, ये सेकेंड लोकेशन है, ये थर्ड लोकेशन है, एंड दिस वन इज द फोर्थ लोकेशन। ठीक है, नाउ फिर पहले 0 लोकेशन पे क्या जाएगा, 1000, यानी आपका ये पहले लोकेशन पे डाली क्या चलेगा, 1000। ठीक है, फिर सेकेंड लोकेशन पे क्या डाला आपने, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सेकेंड पे क्या जाएगा, 2 जाएगा। फिर थर्ड पे क्या है, 34 है, यहाँ पे क्या जाएगा, 34 जाएगा। फिर फोर्थ पे क्या है, 70 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 70 जाएगा। एंड लास्ट में क्या है आपका, 500 है, तो ये लास्ट लोकेशन में कितना जाएगा, 500 जाएगा। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम, ओके, तो यहाँ पे 500 जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, वैल्यू स्टोर कर दिया, इस तरीके से हम लोग अरेज को इनिशियलाइज कर सकते। ठीक है, दैट मींस अभी हमने क्या किया, बैलेंस नाम का अरे बनाया जिसमें ऑलरेडी हमने वैल्यूज डाल दिए, बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ वैल्यूज डाल दिया था। चाहे तो आप यूजर से भी वैल्यू मांग सकते हो, यूजर से वैल्यू कैसे हम लोग लेंगे, बिजनेस से लेटर ऑन। ठीक है, तो अभी इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे से इस तरीके से हम लोग कर्ली ब्रेसेस में उसकी वैल्यूज डाल सकते हैं। सो अभी ये जो बैलेंस ऑफ 5, यानी ये साइज कितना है आपके अरे का, 5 है, तो आपको यहाँ पे एटमोस्ट कितनी वैल्यूज आप दे सकते हैं, 5। यहाँ पे देखो 5 वैल्यू दिए हमने, 1000, 234, 70 एंड 500, 5 ही वैल्यू हम लोगों ने दिए, बिकॉज साइज कितना है 5, तो आप 5 ही वैल्यू दे सकते हो। यू कैन नॉट गिव द मोर देन 5 वैल्यूज, ठीक है, आप उससे ज्यादा वैल्यूज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अरे को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। So now see, so if you omit the size of the array, an array is just big enough to hold the initialization is created. Therefore, if you write, नीचे में example दिया हुआ है कि for example, अभी आपने जो आपको जो size है, आपको array का size नहीं पता है। ठीक है, now suppose यहाँ पे example दिया है double balance, यानी आपने एक balance नाम का आपको एक array बनाना है। ठीक है, इसका data type क्या है, double, यानी इसमें आने वाली वैल्यू कौन सी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आने वाली है, डबल टाइप। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे देखो अरे का साइज नहीं दिया, आपने अरे का साइज दिया है क्या, नहीं दिया,
लेकिन आपने इक्वल टू करके इनिशियलाइज किया है, इक्वल टू करके आपने इनिशियलाइज किया है, तो आपने कितनी वैल्यूज पास की इसमें, 1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0, ऐसी पांच वैल्यू आपने ट्रांसफर की है, पांच वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है। दैट मीन्स आपका बैलेंस वाला जो अरे है ये बाय डिफॉल्ट कितने का हो गया, 5 का हो गया, यानी इसका साइज कितना हुआ, 5। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसमें अगर 100 वैल्यूज पास की होती, ठीक है, 100 वैल्यूज पास की होती, तो यानी आपका यहाँ ये जो है यहाँ पे जो साइज कितना होता बाय डिफॉल्ट, तो 100 होता। दैट मीन्स इफ यू ओमिट द साइज ऑफ द अरे एंड अरे जस्ट बिग इनफ टू होल्ड द इनिशियलाइजेशन क्रिएटेड, आप यहाँ पे जितनी वैल्यूज डालोगे उतने वैल्यूज के लिए आपका ये अरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स द साइज इज ऑप्शनल, यू हैव टू पुट द साइज। इफ यू आर गोइंग टू इनिशियलाइज द अरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, सो आपने साइज दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 5 लिखा है तो भी चलेगा, नहीं लिखा है तो भी चलेगा, लेकिन आपका इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया, सपोज आपने यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन नहीं किया, आपने वैल्यूज नहीं दी और आपने डायरेक्टली बैलेंस और यहाँ पे आपने साइज नहीं दिया, तो इट विल क्रिएट द एरर, आपको एरर क्यों करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया। अभी आपने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट दिए हुए हैं लेकिन सामने इनिशियलाइजेशन दिया हुआ है, तो इट मीन्स दैट दैट मच नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन टू द बैलेंस अरे। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ 0 में 1000.0 जाएगा, बैलेंस ऑफ 1 में 2.0 जाएगा, बैलेंस ऑफ 2 में 3.4 जाएगा, बैलेंस ऑफ 3 में 7.0 जाएगा, एंड बैलेंस ऑफ 4 में 50.0 जाएगा। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज इन टू द अरे, सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू स्टोर द इनिशियल वैल्यू इन टू द अरे। आफ्टर दैट हाउ टू एक्सेस द अरे एलिमेंट, हम लोग अरे के एलिमेंट एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस द अरे एलिमेंट, सो यू हैव टू यूज अस, सो वंस यू इनिशियलाइज द अरे, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस नाम का अरे क्रिएट किया था एंड वी हैव इनिशियलाइज द बैलेंस अरे विद अ डिफरेंट वैल्यू विद अ डिफरेंट साइज अरे। नाउ सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस द अरे एलिमेंट, अगर मुझे अरे की वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस द अरे एलिमेंट, तो अरे एलिमेंट विल बी एक्सेस विद अ जॉब ब्रैकेट अलॉन्ग विद द इंडेक्स। सो एन एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द अरे नेम, दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द अरे। फॉर एग्जाम्पल सपोज डबल सैलरी इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 4, व्हाट रिटन हियर, डबल सैलरी इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ 4, दैट मीन्स बैलेंस नाम का जो अरे है उसमें फोर्थ लोकेशन पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको किसको देना है, फोर्थ लोकेशन की वैल्यू आपको किसको देना है, ये आपको सैलरी में स्टोर करना है। दैट मीन्स डबल सैलरी इक्वल टू बैलेंस ऑफ 4, दैट मीन्स आपको कोई भी लोकेशन का वैल्यू अगर एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस द अरे एलिमेंट, अगर अरे एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है तो आप कैसे लिखते हो, अरे नेम, ठीक है, अरे नेम और स्क्वेयर ब्रैकेट में जो भी इंडेक्स होगा वो इंडेक्स के थ्रू आप पर्टिकुलर वैल्यूज को एक्सेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा बैलेंस बैलेंस ऑफ, सपोज मैंने यहाँ पे किया है ठीक, और सपोज बैलेंस ऑफ 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सपोज इफ आई रिटन ए इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1, दैट मीन्स जो आपका अरे फॉर्म हुआ है, जो इस तरीके से आपका अरे फॉर्म हुआ था पांच एलिमेंट के लिए, तो फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन एंड फिफ्थ लोकेशन, तो 0, 1, 2, 3 एंड फोर, ठीक है। इस तरीके से आपके चार लोग पांच लोकेशन थे, तो पहले 0 लोकेशन में आपका कौन सा वैल्यू था, ये आपका 0 लोकेशन में वैल्यू स्टोर होगा, ये आपका 2.0 ये फर्स्ट लोकेशन पे जाएगा, ये आपका सेकंड पे जाएगा, ये वैल्यू आपका थर्ड पे जाएगा एंड दिस वन इज गोइंग टू फोर्थ लोकेशन। इस तरीके से ये जो अरे आपने अरे बनाया हुआ है इसमें एक एक वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगा। नाउ इफ आई रिटर्न ए इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1, सो बैलेंस इज द इंडाइसेस नेम, बैलेंस इज द नेम ऑफ द अरे। आपको कौन से लोकेशन का वैल्यू देखना है, 1 लोकेशन का, आपको कौन से लोकेशन का वैल्यू देखना है, फर्स्ट लोकेशन का, तो बैलेंस ऑफ 1 में जो भी वैल्यू होगी वो किसके पास चले जाएगी, ए में आप स्टोर,
कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ वन में जो भी इस लोकेशन में जो भी वैल्यू है, अभी इस केस में क्या वैल्यू है, 2.0। तो ए में क्या चला जाएगा, 2.0। दैट मीन्स ए इक्वल टू बैलेंस ऑफ वन, तो बैलेंस ऑफ वन में 2.0 है, तो ए में वैल्यू क्या चला गया, 2.0। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू एक्सेस द वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे अरे एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अरे नेम एंड इंडाइसेस। इंडाइसेस बोले तो लोकेशन नंबर, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, दीज आर नथिंग बट इंडाइसेस। इस इंडाइसेस यानी इस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे आपका वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। दीज आर नॉट द वैल्यू, 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू है क्या, नहीं। ये क्या है, ये लोकेशन नंबर है, ये इंडेक्स है, ठीक है। उस इंडेक्स पे, उस लोकेशन नंबर पे ये वैल्यू स्टोर है। दैट मीन्स 0 पे ये वाला वैल्यू 1000, 1 पे 2.0 है, 2 पे 3.4 है, 3 पे 7.0 है, एंड 4 पे 50.0 है। सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस द थर्ड नंबर वैल्यू, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, सो बैलेंस ऑफ 3। सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस द फोर्थ लोकेशन वैल्यू, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट, सो बैलेंस ऑफ 4। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को राइट भी कर सकते हैं। सपोज इफ आई रिटर्न, मैंने लिखा बैलेंस का सिंपली मैं बी यूज करता हूँ, मैंने लिखा बी इज इक्वल टू द बी इंडेक्स, मैंने सपोज लिखा यहाँ पे 4, मैंने लिखा बी ऑफ 4 इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस का सिंपली मैं बी यूज कर रहा हूँ, पूरा बैलेंस में लिखता हूँ बी ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा 4 इज इक्वल टू, व्हाट आर रिटन, बी ऑफ 4 इज इक्वल टू 700। दैट मीन्स बैलेंस के फोर्थ पोजीशन में मैंने वैल्यू अभी क्या रीअसाइन कर दिया, दैट इज 700, दैट मीन्स रीराइट कर दिया। पहले वैल्यू कौन सा था आपका, 50 था, दैट मीन्स 1000 था आपका 0 लोकेशन पे, यहाँ पे फर्स्ट पे 2 था, सेकंड पे 3.4 था, थर्ड पे 7.0 था, और फोर्थ पे 50.0 था। जब आपने अरे बनाया, जब आपने अरे को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया, तो ये वैल्यूज आपके पास थी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपके पास थी। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने नीचे में क्या किया, कर दिया बी ऑफ 4, दैट मीन बैलेंस ऑफ 4, ठीक है, मैंने बैलेंस की जगह सिंपली बी लिख दिया, बैलेंस ऑफ 4 इज इक्वल टू 700। दैट मीन्स अभी आपके अरेज में फोर्थ लोकेशन पे वैल्यू क्या चले जाएगा, 700। दैट मीन्स पहले 50 था, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, दैट मीन्स 50 के ऊपर एक नया वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स 700। अभी यहाँ पे 50 रहेगा क्या, नहीं, आपका वैल्यू ओवरलैप हो गया। दैट मीन्स अभी आपने क्या कर दिया, बी ऑफ फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू रीराइट कर दिया, कौन सा वैल्यू डाल दिया आपने, 700। दैट मीन्स इस तरीके से आप नया वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, इस तरीके से आप नया वैल्यूज आपके जो अरेज है उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंडाइसेस, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ अरे नेम एंड द इंडाइसेस, वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यू, वी आर गोइंग टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द अरे फ्रॉम द अरे, ओके। So likewise, we are going to access the values. So now we'll see one simple example. Now you can see here, okay? So we will see the simple example how we are going to create the array and how we are going to initialize the array, how we are going to declare the array, okay? So simply hash in place str.h, hash in place funio.h, void main, these are the three common statements. After that, what I written? Integer a of 5. Maine kya likha? Integer a of 5, which is equal to in curly braces 10, 20, 30, 40, 50. फिर यहाँ पे मैंने सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। सो जैसे ही आपको ये दिखा इंटीजर ए ऑफ 5 एक वेरिएबल का नाम है, हाउ यू कैन नो दिस इज अ अरे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये अरे, बिकॉज यहाँ पे एक अरे का नाम दिया हुआ जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम और एक स्क्वेयर ब्रैकेट है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये एक अरे हुआ। सो ये एक स्टेटमेंट से क्या होगा आपका, ये एक स्टेटमेंट से क्या होगा कि आपको कंपाइलर क्या करेगा, आपका जो आपको आपने जो अरे डिक्लेयर किया हुआ ए ऑफ 5, ठीक है। सो ये क्या करेगा, आपके पास जो इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में 5 कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा, ठीक है। दैट मीन्स एक के नीचे एक 5 मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करेगा,
है. सो विद द इंडाइसेस ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4. 0 से स्टार्ट किया तो 4 तक चलेगा, ठीक है. सो नाउ एट द सेम टाइम मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया, मैंने कर्ली ब्रेसेस में पांच वैल्यू पांच कर दी, 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, इट मीन्स दैट आपका जो ए नाम का अरे बना हुआ है, सो ए ऑफ 0 में 10 जाएगा, ए ऑफ 1 में 20 जाएगा, ए ऑफ 3 में 30 जाएगा, ए ऑफ 4 में 40 जाएगा, ए ऑफ 5 में 50 जाएगा. अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो, अगर 0 से स्टार्ट किया तो 4 तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4. अगर 1 से स्टार्ट किया तो 5 तक जाएगा, ठीक है. लाइक आफ्टर दैट क्लियर इज टू क्लियर द टू गेट द आउटपुट ऑन द क्लियर स्क्रीन. व्हाट आई रिटन नेक्स्ट, प्रिंट अप द वैल्यू एट ए ऑफ 0 इज, यानी वैल्यू ए ऑफ 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या है ये मुझे डिस्प्ले करना है. तो मैंने प्रिंट अप स्टेटमेंट लिखा, वैल्यू एट ए ऑफ 0 इज, ए ऑफ 0 को मैंने प्रिंट किया. दैट मींस आपका पहला आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू एट ए ऑफ 0 इज, ए ऑफ 0 पे वैल्यू कौन सा है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा. फिर सेकंड स्टेटमेंट मैंने प्रिंट किया, वैल्यू एट ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे, ए ऑफ 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करना है. यहाँ पे ए ऑफ फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, देन सेकंड का हो जाएगा, देन थर्ड का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, देन फोर्थ का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. ये बाकी दो स्टेटमेंट मैं बाद में बताता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये कमेंट है, ठीक है. पहले ये सिंपल प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, बाद में हम लोग वैल्यू को रीचेंज करते हैं, ठीक है. सो नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, अल्टर एक्स में किया मैंने, जीरो एरर. ठीक है, नाउ सी सीधा आउटपुट. सो वैल्यू एट ए ऑफ 0 इज 10, वैल्यू एट ए ऑफ 1 इज 20, वैल्यू एट ए ऑफ 2 इज 30, वैल्यू एट ए ऑफ 3 इज 40 एंड वैल्यू एट ए ऑफ 4 इज 50. सो इस तरीके से वैल्यूज जो अरे में आपने स्टोर की थी वो वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया. तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई, ठीक है. देखो ए ऑफ 5 का आपने अरे बनाया था, अरे बनाने के बाद आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर दिया था बाय डिफॉल्ट. जो ए ऑफ 0 में जो वैल्यू भी, ए ऑफ 0 में 10 बताया, ए ऑफ 1 में 20, 3 2 में 30, 4 में सॉरी 3 में 40 और 4 में 50 वैल्यू, इस तरीके से हमारा आउटपुट आया था. नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैं कमेंट हटा देता हूँ इसको, ठीक है. अभी मैंने क्या किया, इतना होने के बाद यहाँ तक आपका ए ऑफ 4 तक डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. नाउ मैंने क्या किया, ए ऑफ 2 की वैल्यू को 200 कर दिया. व्हाट आई डिड नाउ, ए ऑफ सेकेंड लोकेशन की वैल्यू जो है उसको मैंने क्या कर दिया, 200 कर दिया. यानी पहले प्रीवियस ए ऑफ 2 में क्या था, ए ऑफ 0 में 10 था, ए ऑफ 1 में 20 था, ए ऑफ 2 में 30 था, ए ऑफ 2 में कितना था, 30 था. अभी मैंने क्या कर दिया, ए ऑफ 2 को ए ऑफ 2 में 200 डाल दिया. दैट मींस 200 इज असाइन टू द लोकेशन नंबर ए ऑफ 2, ठीक है. दैट मींस ए ऑफ 2 जो है आपका अरे पोजीशन ए ऑफ 2 में मैंने 200 डाल दिया, ठीक है. और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज को प्रिंट कर लिया, वैल्यू एट ए ऑफ 2, ठीक है. वैल्यू एट द ए ऑफ 2 इज, ए ऑफ 2 की वैल्यू मैंने डिस्प्ले किया. Now we'll execute the program. Now you can see. देखो a of 0 में 10 था, 1 में 20, 2 में 30, 3 में 40 था, 4 में 50 था. बाद में हमने next time क्या किया, a of 2 की value को 200 डाल दिया था. तो a of 2 में पहले 300 था, बाद में अपने a of 2 में 200 डाल दिया. तो देखो value at a of 2 is 200. चेंज हो गया, पहले कितना था, 30 था, अभी कितना डाल दिया अपने, 200 to 200 आ गया. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अरेज में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. सो डायरेक्टली वी कैन एक्सेस द वैल्यू. हम लोग अगर अरे की वैल्यूज को एक्सेस करना है, अरेज की वैल्यूज को हम लोग को मॉडिफाई करना है, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज सिंपली द अरे नेम एंड द इंडेक्स. विद द हेल्प ऑफ अरे नेम एंड इंडेक्स, जो भी इंडेक्स में आपको वैल्यूज चेंज करनी है वहां पर आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो. सो इस तरीके से हम लोग अरेज की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, अरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स जो है सेम टू डे. सो होप यू ऑल आर अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो बाय टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशनल अरे, एज वेल एज वी विल सी सम फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन सिंगल डायमेंशनल अरे. So thank you one and all.